बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं रूह इंसान। आज का हमारा टॉपिक है, एक दफ़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके अर्ज़ करने लगा, या अली, जहन की खुराक क्या है? तो बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए शख्स, याद रखना मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जहन की खुराक अच्छा सोचना है, क्योंकि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को इंसान के दिमाग से जोड़े रखा है। लेकिन अफसोस, जो इंसान इस कायनात की खिलकत के बारे में बुरा सोचते हैं या लोगों और चीज़ों में ऐब निकलते हैं, तो यूँ इंसान अपने ही दिमाग की ताकतों को कम करता रहता है। आए शख्स, अगर इंसान अच्छी सोच के साथ इस कायनात में रहना शुरू कर दे तो अल्लाह इंसान के दिमाग को कायनात पे हुकूमत अता कर देगा। तो वो कहने लगा, या अली, अच्छा सोचने से मुराद क्या है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा सोचने से मुराद माफ़ करना है। इस कायनात के हर खिलकत के लिए अमन सलामती की सोच को मुकदम रखना है। अय बंदा खुदा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ने आसमानों के बीच में एक फरिश्तों के लिए एक दरवाज़ा कायम किया जो हर उस इंसान के लिए खुलता है जिस इंसान के दिमाग में अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छी सोच होती है, और उन फरिश्तों का काम यह होता है कि वो कायनात की हर नेमत को उस इंसान के कदमों में बिछाते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल रूह इंसान सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।